Hello students, in this video we will see what do we mean by aggregate demand and what are its components. Aggregate demand kya hai aur iske components kya kya hai. Okay, to aggregate demand refers to total amount of money wo first jo households hain wo lagane ke liye ichchuk hain. सेकेंड, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट फर्म्स आर विलिंग टू स्पेंड. और थर्ड है टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट इज विलिंग टू स्पेंड. हम यहाँ पे विलिंग टू स्पेंड की बात कर रहे हैं, ना कि रियल अमाउंट ऑफ मनी दैट हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स हैव स्पेंड. हम ओनली विलिंगनेस टू स्पेंड की बात कर रहे हैं. और वो स्पेंड कहाँ पे किया जाएगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे टोटल अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करने की विलिंगनेस हाउसहोल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट्स की कलेक्टिवली क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को ड्यूरिंग ए ईयर मेजर किया जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एग्रीगेट डिमांड कितनी है. तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज ए फ्लो वेरिएबल. क्योंकि फ्लो वेरिएबल क्या होता है? ऐसे वेरिएबल्स जिनको ड्यूरिंग ए ईयर मेजर किया जाता है. और ऐसे वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं? उन वेरिएबल्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसे वेरिएबल्स दैट आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए ईयर आर नोन एज. Okay, so we can say aggregate demand refers to total amount of money that governments, households and firms are willing to spend on purchase of final goods and services during a year, and aggregate demand is a flow variable. Next, we will see what is the difference between aggregate demand and market demand. So first of all, coming to market demand refers to total demand of a particular good or particular service in an economy. Suppose हम demand देख रहे हैं कि एक economy के अंदर अगर clothes की demand देख रहे हैं, particular commodity हो गई, clothes की सारे individuals एक economy के सारे लोग हैं, people हैं, वो कितनी demand कर रहे हैं clothes की demand? वो एक क्लोथ मार्केट की डिमांड दिखाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड. अगर उसी की जगह हम जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्लोथ्स के अलावा वाटर बॉटल भी खरीद रहे होंगे, बैग भी खरीद रहे होंगे, इसके अलावा बहुत सारी कमोडिटीज खरीद रहे होंगे, बहुत सारी सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे होंगे. जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो. तो सारी कॉमोडिटीज को ऐड करने के बाद में जब टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी को हम देखेंगे, देन वी विल रेफर दैट टू एग्रीगेट डिमांड. ओके, मार्केट डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी, एंड एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. पहला कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम मनी जो हाउसहोल्ड्स के द्वारा स्पेंड की जा रही है उसको इंक्लूड कर रहे हैं. तो ये किस पे डिपेंड करेगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है कि आपके पास टोटल इनकम आई, उसमें से आपने टैक्सेस पे कर दिए, उसके बाद में डिस्पोजल के लिए यानी कि आपको स्पेंड करने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है. सो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. एग्रीगेट डिमांड का सेकेंड कॉम्पोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शोज अमाउंट ऑफ मनी दैट फर्म्स और कंपनीज आर विलिंग टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अब हमें पता है कि कंपनीज
कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है? कंपनीज मोस्ट ऑफ टाइम कैपिटल गुड्स को खरीदती है। कैपिटल गुड्स में एडिशन है, उसी को क्या कहा गया है? इन्वेस्टमेंट कहा गया है। और हम स्टडी क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स और अल्टरनेटिवली एडिशन इन स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल गुड्स इज रेफर्ड टू एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता होगा एक इकोनॉमी में? कलेक्टिव वॉन्ट्स होती हैं एक सोसाइटी की, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, क्लीन एयर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रोडवेज एटसेट्रा, इन सब के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है और इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में भी अमाउंट ऑफ मनी लगती है, तो वो भी क्या रिफ्लेक्ट करती है? एग्रीगेट डिमांड। और फोर्थ कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आर कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। या तो हम गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो डिमांड कहाँ से आ रही है? फॉरेन मार्केट से। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम डिमांड कहाँ से कर रहे हैं? इंडियन मार्केट में डिमांड हो रही है फॉरेन कमोडिटीज की। तो नेट जो रिजल्ट होगा इनका, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वो क्या दिखाता है? एग्रीगेट डिमांड। ओके, एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। फर्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फोर्थ कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए ग्रेट डे।